हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, जो कि दिल्ली का बहुत फेमस पार्क है। आगे की जानकारी मैं वहाँ पे दूंगा। और उसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है साकेत। वहाँ से आपको ऑटो करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। और हमारे साथ आज फिर ये भी जा रहे हैं, सेकेंड टाइम जा रहे हैं, क्योंकि अनंतराम अब गाँव चले गए हैं। अभी वो 2-3 हफ्ते बाद ही आएंगे। तो हम जब तक ये है हमारे साथ कैमरामैन इज अमन। ओके, फिर चलते हैं, फिर वहाँ पे मिलते हैं गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में। गाइज, हम दोनों मेट्रो से उतर चुके हैं। गाइज, आप देख सकते हो हम दोनों मेट्रो से उतर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, ऑटो लेंगे, फिर वहाँ से निकलते हैं गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के लिए। फिर आपसे वहाँ पे मिलता है, और उसकी टिकट क्या है मैं आपको वहाँ पे अपडेट देता हूँ, फिर चलते हैं। सो गाइज, ये है मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से ऑटो मिल जाएगा आपको उधर की तरफ से। ये गेट नंबर 2 है। सो गाइज, हम गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस आ चुके हैं। हम ऑटो वालों ने हमसे 40 रुपये लिए, मतलब 20 रुपये सवारी है। एक लोगों का 20 रुपये लगेगा गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस मेट्रो स्टेशन से गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के आने का। तो फिर हम एंट्री करने वाले हैं, टिकट प्राइस क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर हम गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस आ चुके हैं। जो इसकी टिकट पड़ी है 35 रुपये इसकी टिकट है, 35 रुपीज़ इसकी टिकट है। टिकट खाली ऑफलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो हमारी टिकट 35 रुपये पड़ी है। और आपको अंदर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बार आ रहे, देखते हैं आगे चलिए क्या करते हैं, क्या करें। अब घूमेंगे यहाँ पे, देखते हैं। देखने से तो बहुत बढ़िया लग रहा है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, देखते हैं फिर और घूमते हैं, फिर आगे की चीज़ आपको दिखाते हैं। सो गाइज, वहाँ से हमने एंट्री ली है, और अब हम यहाँ को जाएंगे देखने से। गाइज, देख कितना बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस। और मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही है, देख सकते हो गाइज कितना बढ़िया है। Enjoy, और फोटो शूट करने के लिए गाइस बहुत बढ़िया जगह है ये। सो गाइस, आप देख सकते हो गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस का ये मैप है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये सब चीजें हैं साइट प्लान में, आप गाइस सब देख सकते हो। आप फोटो ले लेना, अगर आप मैप को पास अपने रखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर लेना यहाँ पे। सो गाइस, मजा आ रहा है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में, आप भी जरूर आना। और जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मैंने बताया था, साकेत है। सो गाइस, ये फैमिली के साथ आने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, बहुत बढ़िया जगह है। गाइस, आप देख सकते हो कितनी साफ है, मतलब यहाँ पे कितनी साफ है, गंदगी एकदम नहीं दिख रही, कितनी साफ तरीके से मेंटेन किया गया है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस को। और ये पेड़ है, सो गाइज ये है खास बाग, मतलब इस जगह का नाम खास बाग है, खास बाग पर हम। सो गाइज, ये है आर्टिफिशियल, मतलब ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल ट्री है, तो मतलब कि इसके ऊपर फाउंटेन गिरता था, मतलब फाउंटेन है, लेकिन अभी फाउंटेन में पानी आ नहीं रहा इसमें। गाइज, आप देख सकते हो ये है हाथी, हाथी मतलब हाथी के स्टैचू बना रखे हैं आप। गाइज, आप देख सकते हो हाथी के स्टैचू हैं ये। और यहाँ पे भी फाउंटेन गिरता था, लेकिन फाउंटेन गिर नहीं रहा, आप देख सकते हो फाउंटेन की पाइप लगी हुई है जहाँ से फाउंटेन निकलता है, लेकिन फाउंटेन गिर नहीं रहा, सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे फाउंटेन गिरता था, अभी इस समय गिर नहीं रहा है फाउंटेन। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हाथी, और उनमें से यह सब बड़ा वाला हाथी है, और ये 2 छोटे हाथी हैं। अब आपको आगे की चीजें भी दिखाते हैं। सो गाइस, वहां से जाने का रास्ता है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस से आगे जाने का।
सो गाइस यहाँ पे नारियल के पेड़ भी लगे हुए हैं। मतलब कि ये दिल्ली का सबसे बेस्ट गार्डन माना जाता है, गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस दिल्ली का सबसे बेस्ट गार्डन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो और ये अंकल पानी दे रहे हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये बस यहाँ पे फाउंटेन गिर नहीं रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कितना बढ़िया है यहाँ पे लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में आ गया हूँ, लेकिन ये जंगल नहीं है, ये गार्डन है, मतलब गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस है ये। आप शायद देख सकते हो कि यहाँ पे पेड़ पौधे पत्तियाँ हैं, कितनी साफ पत्तियाँ हैं, बस इनकी रोज केयर होती है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो यहाँ पे पानी डालते हैं, तभी तो आप देख सकते हो कि पत्ते कितने साफ दिख रहे हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी भी नहीं जमी, एकदम साफ है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब देखने को आगे पूर्व बाजार, पश्चिम बाजार, सूर्यबाग, रंगमंच, प्रसाधन। सो गाइस देख सकते हो ये अंकल पानी दे रहे हैं, मतलब ऐसे यहाँ के बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो यहाँ की केयर करते रहते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ की केयर होनी भी चाहिए, इतना सुंदर बना रखा है, मेंटेन बना रखा है। यहाँ पे रास्ते जा रहे हैं, यहाँ का रास्ता जा रहा है, यहाँ पे रास्ता जा रहा है, और यहाँ से हम आए ये वाला रास्ता जा रहा है और ये वाला रास्ता जा रहा है, तो हम इस तरफ चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आप फोटो भी खिंचा सकते हो, कितनी बढ़िया फोटो आ रही है, मेरे दोस्त ने भी फोटो खिंचाया, अभी काफ़ी बढ़िया फोटो आई है उसकी। और देख सकते हो गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से आते 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 हम यहाँ पे आ चुके हैं। सो गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस आना तो यहाँ पे पिन्नी प्लास्टिक की चीज़ें मत लाना, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब गंदगी फैला देंगे, अगर ऐसा अलाउ करने लगे तो यहाँ पे गंदगी नहीं फैल जाएगी, तो इतना साफ रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। अगर आप चिप्स कुरकुरे के पैकेट लाओ तो चिप्स कुरकुरे के पैकेट वो अपना लिफाफा देंगे, आप उसमें डाल देना, लेकिन जो रैपर होता है उसमें ना लेके आए, क्योंकि प्लास्टिक यहाँ पे अलाउड नहीं है ना, इसी वजह से नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप पेन भी नहीं ला सकते, मतलब यहाँ पे पेन इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे सब लिख लिख देंगे ना, यहाँ पे नाम वाम लिख देते हैं, इसी वजह से यहाँ पे पेन भी नहीं ला सकते। सो गाइस अगर आना तो ये सब चीज़ें जान के फिर आना यहाँ पे। पहले मेरे दोस्त भी थोड़ा फोटोशूट बहुत कराया इन्होंने, अभी फोटोशूट करा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनसे कि एक बार वीडियो बन जाए तो फोटोशूट तब कराएंगे, लेकिन ये फोटोशूट पे फोटोशूट कराए जा रहे हैं। ये देखिए देख सकते हैं, क्या करें इतना अच्छा लुक यहाँ का दिखाई, इसलिए फोटोशूट कर रहे हैं, लेटने का मन कर रहे हैं मेरा तो यहाँ, और इन्हें लेटने का ही मन कर रहा है यहाँ पे, तो जाओ। सो गाइस फिर आगे की चीज़ें भी दिखाते हैं आपको। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ के पत्ते कितने साफ हैं, मतलब कि यहाँ इनके पत्तों की टाइम टू टाइम केयर की जाती है, यहाँ के पेड़ पौधों की टाइम टू टाइम केयर की जाती है, बहुत सारे गार्डनर्स हैं जो यहाँ के पेड़ पौधों की केयर करते हैं, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधे इतने अच्छे साफ हैं। सो गाइस यहाँ पे खाने के सामान भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे अब अंदर भी खा पी सकते हो, गोलगप्पे खा सकते हो, वहाँ पे पेप्सी ड्रिंक्स भी रखी, मतलब कि पेप्सी कोका कोला भी रखी हुई, वो भी पी सकते हो, काफ़ी मतलब यहाँ पे ये भी फैसिलिटी दे रखी है खाने की भी, अंदर खाने की भी, बाहर से लेकिन आप प्लास्टिक नहीं ला सकते, अंदर का कोई मतलब बिना प्लास्टिक के चीज़ें आप ला सकते हो, जैसे टिफ़िन में कुछ चावल दाल ये सब रख के ला सकते हो, लेकिन प्लास्टिक की चीज़ें नहीं ला सकते बाहर से, जैसे कि कुरकुरे रैपर जो होते हैं वो चीज़ें नहीं रख के ला सकते।
यहाँ पे ये सब है, रंग बाग, खास बाग, वृक्ष आंगन, कमल कुंड, ख्वाब बाग। सो गाइस यहाँ पे जंगल ही जंगल है, तो मैं जंगल की साइड ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, मुझे मैं इसके साइड चल रहा हूँ, मतलब जहाँ ये पटरियाँ लगी पड़ी वहाँ वहाँ जा रहा हूँ, जंगल के साइड में इतना जा नहीं रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे ये भी बना रखा है, डिज़ाइन बना रखे हैं यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हो। सो गाइस ये है सूर्य घंटी यहाँ की, एक मतलब घड़ी के शेप का दिखा रखा है यहाँ पे। सो गाइस आप देख सकते हो कि कितना अच्छा साफ पत्तियाँ यहाँ की, क्लीन है एकदम। गाइस देख सकते हो कितनी साफ पत्तियाँ यहाँ पे, मैंने कहा था पहले कि यहाँ पे केयर की जाती है इन पत्तियों की। और हम नीचे यहाँ ढलान की तरफ, की ढलान वाला रास्ता है थोड़ा, हम नीचे ढलान की ओर जाए जा रहे हैं। सो गाइस ये है सूर्य बाग, सोलर पार्क इसे कहते हैं, और यहाँ पे भी आप फोटो शूट करा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो शूट करा सकते हो। वो एक जगह है मतलब वहाँ पे आप खड़े हो सकते हो और यहाँ से आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी अगर आप यहाँ पे फ़ोटो शूट कराओगे तो। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ का ये है एरिया, मतलब यहाँ पे जंगल जंगल टाइप का है, इसे कहते हैं कला क्षेत्र, यहाँ की ये कला क्षेत्र, यहाँ पे मतलब कला दिखा रखी है कि कैसे कैसे ये डिज़ाइन किया हुआ है। सो गाइस ये गार्डन ऑफ सेंसेस बहुत बड़ा हुआ है, घूमते घूमते आप थक जाओगे, इतना ज़्यादा बड़ा है पैर दर्द कर जाएंगे। लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं थोड़ा बहुत दिखा के फिर मैं चलता हूँ अपने घर पे, फिर आपसे भी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर रुक के फिर जाऊँगा। सो गाइस एक टनल से बना रखी है यहाँ पे, यहाँ बना रखा है, ये फूल है कितने बढ़िया है गाइस, सब देख सकते हो कितने अच्छे फूल है, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस इसे ही कहते हैं। और भी चीजें हैं बढ़िया। सो गाइस यहाँ पे ये छोटा सा जंगल बना रखा है, छोटा सा नहीं मतलब ये जंगल ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो जंगली जंगल बना रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डर भी लग रहा है, इतना मतलब सुनसान है यहाँ पे, डर भी बहुत लग रहा है ना। हाँ यहाँ पर जंगली पूरा है तो गांव की फीलिंग आ रही है यहाँ पर आने के बाद, तो गांव की फीलिंग आ रही है गाइस आप देख सकते हो, पूरा जंगल है, जंगली जंगल, जंगली जंगल, मतलब गार्डन ऑफ 5 सेंसेस फेमस है, मतलब दिल्ली का सबसे फेमस पार्क में ये है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। और ये हमारे दोस्त भी भागे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम जंगल में ही खो गए, लेकिन हम खोए नहीं है, हम आराम से बाहर जा सकते हैं, हम आपको फीलिंग दे रहे हैं जंगल वाली। देख सकते हो गाइस, और अंदर भी है यहाँ पे। और कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं, अभी वीडियो को करता हूँ मैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप थक जाओ तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो कितने अच्छे फूल लगे पड़े हैं यहाँ पे, कितने बेहतरीन फूल है, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है नो प्लास्टिक जोन, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस इज नो प्लास्टिक जोन लिखा हुआ है, और वहाँ से आगे जाने का रास्ता है। सो गाइस एक साथ साथ वीडियो का होता है डी एंड, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दो। सो गाइस मैं चलता हूँ, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।